क्या करना चाहिए? मुझे बड़ा अच्छा लगा, हालांकि मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था। मैं जब आया तो पता चला कि इंटरनेशनल लेवल पे अलग अलग फिल्मों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, पुरस्कार दिया जा रहा है, और बहुत अच्छा एक माध्यम है कि एक प्लेटफॉर्म पे जो अच्छी रचनाएं की गई हैं फिल्मों की, और जो टॉपिक में बहुत कम मुझे मालूम है, बट जितना मैंने अभी सुना तो बहुत अच्छी बात है। और मैं बहुत ये इस बात के लिए खुशी व्यक्त करता हूँ कि इंटरनेशनल लेवल पे हमारे मुंबई शहर में ये अवार्ड फंक्शन रखा गया और अच्छी अच्छी फिल्मों को एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, प्रोत्साहन मिला है। इससे जो भी मेकर्स होते हैं उनको कुछ और नए नए सब्जेक्ट, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें आ चुकी हैं अब, कुछ गंभीर सब्जेक्ट जिन पर हम चर्चाएँ तो करते हैं बट आज तक वो फिल्में आई नहीं हैं। तो जैसे अभी एक कुछ मुझे बताया कनाडा से कुछ एक मेडिकल प्रॉब्लम की भी एक फिल्म बनी है, अभी लास्ट मैंने देखा, तो बड़ा एक्साइटेड हूँ। इन मैं फिल्मों को ज़रूर देखने वाला हूँ और मैं शुक्रगुजार हूँ पनोरमा का जिन्होंने ये आज का आयोजन रखा है। और ढेर सारी शुभकामनाएं कि ऐसे ही अच्छी अच्छी फिल्में आते रहें, अच्छे अच्छे मेकर्स आते रहें और नए नए सब्जेक्ट पर फिल्म लाते रहें, इंटरनेशनल लेवल पर हर भाषाओं से हर तरह की फिल्में आएँ, और बहुत खुशी है मुझे। मैम आपसे भी जानना चाहता हूँ, आज महिला दिवस है, इंटरनेशनल वुमेन डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, क्या संदेश देना चाहती हैं हमारे चैनल के माध्यम से? ऐसे तो मैं आज फर्स्ट टाइम ही यहाँ पे आई हूँ, वो भी हम कहीं गए थे और अचानक यहाँ पे आए, तो यहाँ पे आने के बाद इतनी खुशी मिली सबसे मिलके और सब देखा तो बहुत अच्छा लगा। हैप्पी वुमेंस डे फॉर ऑल वुमेन, थैंक यू। सर मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, बस महिला दिवस मतलब कि जिस तरह से दिन है वैसे रात है, पुरुष है वैसे ही स्त्री है, और शिव ही शक्ति बोला गया है, तो बिना महिला के ये सृष्टि ही अधूरी है, तो महिला को नमन है क्योंकि महिला से ही बहुत सारी चीज़ें, प्यार है, स्नेह है, ममता है, और हमारी माँ भी एक महिला ही है, और अलग अलग रूप में चाहे हमारी पत्नी हो, बहन हो, कई रूप होते हैं, तो महिला का बखान मैं क्या करूँ, वो शब्द नहीं है। बस सबको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, और महिला के रूप में आप अपनी पत्नी की इज्जत करें, अपनी माँ की इज्जत करें, बहन की इज्जत करें, और हर एक नारी की इज्जत करें, क्योंकि अगर आप किसी की बहन को भद्दी नज़रों से देख रहे हैं तो आप ये मत भूलें कि आपकी बहन को भी वही भद्दी नज़रों से देख रहा है। बहुत ही बड़ी बात कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो, और इसी के साथ मैं और भी जो काफ़ी लोग हैं उनसे भी आपको मिलूंगा। अवार्ड फंक्शन कार्यक्रम रखा गया है, आपको गेस्ट के तौर पर इनवाइट किया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो पैनोरमा फिल्म फेस्टिवल जो ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड मुंबई जैसे हमारे शहर में हो रहा है, बहुत बड़ी बात है, और सबसे पहले जो ऑर्गेनाइज़र है उनको बहुत बहुत शुक्रिया, बधाई है, कॉन्ग्रेचुलेशन कि इतना बड़ा इवेंट उन्होंने यहाँ पर मुंबई सिटी में खुला है, कहाँ कहाँ से पूरे वर्ल्ड से यहाँ पर लोग आए हैं अवार्ड्स के लिए, और आज महिला दिवस है, तो यकीनन अगर हमारी माँ या महिला इस दुनिया में ना होती, सृष्टि भगवान उनको जन्म नहीं देता या इस धरती पे भगवान के रूप में नहीं भेजता, तो शायद ये संसार में आज हम सब ना होते। तो उन सभी महिलाओं को मेरी तहे दिल से आज उमन सिंह की बहुत बहुत बधाई है। और ये फिल्म फेस्टिवल के लिए मैं बात करना चाहूँगी कि हम बड़े बड़े थिएटर्स में जाके या OTT प्लेटफॉर्म पर तो फिल्म देखते ही है, लेकिन ऐसी फिल्में जो अवार्ड विनिंग है, जिनके सब्जेक्ट अलग रहते हैं, कहानी अलग रहती है, जो बहुत ही रिसर्च करने के बाद बनाती है, तो ऐसी फिल्मों को देखना चाहिए और ऐसी फिल्मों को प्रमोट करना भी हमारा काम है, ताकि लोग और भी बेटर से बेटर फिल्में बना सकें और अच्छे अच्छे सब्जेक्ट हम दर्शकों को देखने मिले, बच्चों को देखने मिले, ताकि उनका भी माइंड डेवलप हो और वो भी और अच्छा बेटर अपने हिंदुस्तान का, देश का नाम रोशन करे। तो मैं चाहूँगा कि हमारे इंडियंस भी ऐसी फिल्में बनाए कि इंटरनेशनल लेवल पर हमारी फिल्मों का भी वहाँ पर वो हो और उनको यहाँ से इंडिया से वहाँ अवार्ड के लिए बुलाया जाए, तो मैं चाहूँगा कि सब लोग उस पर भी ध्यान दें। जो हमारे इंडियंस व्यूवर्स हैं वो उनका जो नज़रिया है ग्लैमर और एंटरटेनमेंट वो यही चाहते हैं, लेकिन एक नई दिशा मिल रही है ऐसे कॉन्सेप्ट से, ऐसी स्टोरी से, और वो कॉन्सेप्ट वो चीज़ों पर अध्ययन करके उनका बड़ा रिसर्च होता होगा इन सब्जेक्ट पर, तो हमें उसको अप्लाइज करना ज़रूर चाहिए ताकि वो और ज़्यादा उससे अच्छी चीज़ें और हमारे समाज से वो चीज़ें लेकर आएँ जिस पे हम कहीं ना कहीं धक्के खाते हैं, चाहे मेडिकल की बात हो, और उनमें से कोई फिल्मों में शॉट रहे हैं हमारी बॉलीवुड की फिल्मों में, तो शायद वही चीज़ें पसंद करी गई हैं, जब उन्हीं सब्जेक्ट पे फिल्म बनेगी तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। जी आप कुछ कह रहे हैं? सर आपसे है कि आप, मैंने सुना है कि आप डायरेक्टर और राइटर भी हैं, तो आने वाला प्रोजेक्ट क्या रहेगा? मैं एक वेब सीरीज़ बना रहा हूँ अभी जो गैंगस्टर पे है रिलेटेड, जो अप्रैल में इसकी शूटिंग होगी और जून जुलाई तक के वो OTT प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगी। सब्जेक्ट तो अभी देखिए क्या होता है कि जो मार्केट चल रहा है उसी बेस पे हम बनाते हैं, लेकिन कहानी कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है। इसमें फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि डिफरेंट, यानी अब तक के आपने फीमेल
डॉन देखे होंगे, इस टाइम में दूसरा कुछ हटके होने वाला सस्पेंस है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा। लेकिन सबसे मेन बात एक और ये थी कि जो ये जो ऐसी शॉर्ट फिल्में बनती है, ये शॉर्ट फिल्में भी एक बजट वाइज का ना सोचते हुए कि इसमें स्टार कास्ट है कि नहीं है, लेकिन जब ये अवार्ड के लिए जा रहे हैं तो यकीनन उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा जब उसको अवार्ड दिया जा रहा है। तो मेरी सभी दर्शकों से एक निवेदन है कि जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल या कोई भी फिल्म फेस्टिवल में अगर फिल्म आती है तो मुझे लगता है कि उसको प्यार देना चाहिए, उसको प्रोत्साहन देना चाहिए। और ऐसे डायरेक्टर राइटर जो अभी यंग अच्छे नए बच्चे हैं जो डिफरेंट कर रहे हैं, बड़े बड़े डायरेक्टरों से अच्छा काम कर रहे हैं, उनको प्रमोट करना चाहिए, उनको आगे बढ़ाना चाहिए। सर आपसे है, आपको जो है काफ़ी जो है आपको सम्मान मिला और ये भी आज भी सम्मान मिला, तो पहले के सम्मान और अब सम्मान में क्या कुछ डिफरेंस है क्या? देखिए पहले के सम्मान का मुझे कुछ नहीं मालूम है क्योंकि मेरी अभी एज, मेरा काम, चीज़ें बहुत लंबा अवधि नहीं है, बहुत कम समय हुआ। लेकिन हाँ, इस कम समय में जो एक प्रसिद्धि मिली है, जो एक प्यार मिला है, उसकी वजह ये रही है कि अभी तक जो भी मैंने काम किया, जैसे मेरा धारावाहिक बाबी जी घर पे है, एक साफ सुथरा सब्जेक्ट है, उसमें थोड़ी सी नॉटनेस है, लेकिन बाबा इस गनवा को रवि किशन से गवा दिया भैया, बताओ हमने इतना अच्छा गाना अपने हाथ से गवा दिया, बीजेपी ने वो गाना रवि किशन से गवा दिया। भैया थकावट हो गई, अब हम सपा में जा रहा हूँ थोड़ा फ्रेश होने के लिए। मैंने कहा सपा में जा रहे, बीजेपी छोड़ दी क्या? नहीं, बॉडी मसाज के लिए कहाँ जाते? मैंने कहा स्पा, वहीं जा रहा हूँ। सर जी, सर जी आपने, और एक तो सपा का कार्यकर्ता कह रहे हैं अखिलेश भैया जो है ओबीसी को बिल्कुल पसंद नहीं करते, ओबीसी को सपोर्ट नहीं करेंगे, ओबीसी के साथ में जो है सपा का बिल्कुल विचार नहीं मिलता है। क्या बात कर रहे हैं, लोग तो कह रहे कि ओबीसी के तो नेता यहाँ आ रहे, पता चला का उसका वर्क का प्रॉब्लम है, वो ओबीसी के लिए कह रहे थे। वही एक दिन कह रहा हमारी पार्टी विचारों की पार्टी है, हमारी पार्टी विचारों के लिए है, विचारों की पार्टी। बोले यार कोई वोट नहीं देगा, बोले यार ये तो पार्टी खुद की विचारों की पार्टी है, जबकि विचारों की पार्टी कह रहे थे, तो वो और बक का बड़ा प्रॉब्लम। हाँ कुछ कह रहे सर जी, सर आपने कहा रवि किशन जी और मनोज तिवारी जी काफ़ी जो ऐसे हीरो हैं, एक्टर्स हैं, जो पार्टी का सामना कर रहे हैं, तो आप कैसे कहना इसको देखते हैं? रवि किशन जी हमारे जो है कि भैया है, कहना चाहता हूँ कि एक दिन मुझे मिले, हे भैया, हे सुनील पाल, हे भैया तू अद्भुत बाड़ा बाबू, तू अद्भुत बाड़ा। तो मैंने ये बात हमारे मनोज तिवारी से कहा, मनोज जी रवि जी ने मेरी तारीफ की। क्या कहा उन्होंने भैया? मैंने कहा, उन्होंने कहा तू अद्भुत बा। क्लियर सुना नहीं तुमने, उसने कहा तू आधा भूत बा। तो नेताओं की बात तो चलती रहेगी, लेकिन फाइनली यही कहूँगा कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारे देश के लिए जो अच्छा काम होगा, जो अच्छा काम करेगा, वही प्रतिनिधि चुन के आना चाहिए, वही उम्मीदवार जो उम्मीद पे वार ना करे, और वो जो प्रतिनिधि जो हमें अच्छे से निधि दे, सुख शांति दे, हमारे काम को आगे बढ़ाए, जो हो लीडर, हमें चाहिए ऐसा लीडर। थैंक यू। सबसे पहले तो हैप्पी वुमेंस डे, सभी महिलाओं को मैं अपनी तरफ से हैप्पी वुमेंस डे बोलना चाहूँगा। और अवार्ड तो बड़ा अच्छा लगा, अपनी आप कोई भी चीज़ को मतलब लेकर या छोटा सा भी अगर आप एफर्ट डालते हैं और उसका आपको थोड़ा सा रिकग्निशन मिलता है तो अच्छा लगता है, एक मोटिवेशन मिलता है। सो थैंक यू सो मच। मैं अवार्ड फंक्शन में यही बोलूँगा कि इन्होंने लाइक समझा उस फिल्म को और उन्होंने ये अवार्ड दिया मुझे बेस्ट शॉर्ट फिल्म का। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। यस, सबसे पहले मैं वुमेंस डे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और इंडियन पैनोरामा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं कि उन्होंने इस बहुत अच्छे मौके पर मुझे ये अवार्ड देकर नवाजा है। यानी एक तरह से हमारा जो एग्जिस्टेंस होता है उसको जगाया है, उनको एक तरह से एक हमको रियलाइज़ कराया है हमारा एग्जिस्टेंस, उसके लिए मैं इस अवार्ड फंक्शन का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और हमेशा हमारी कोशिश बनी रहेगी कि अच्छी फिल्में जो प्रबोधन के साथ साथ में कुछ अच्छा स्ट्रांग मैसेज दे, ऐसी फिल्में बतौर डायरेक्टर के तौर से हम बनाना चाहेंगे। और एक हमारा जो भी जितना योगदान हमसे पॉसिबल है फिल्म इंडस्ट्री के लिए हम देते रहेंगे। थैंक यू। सर काफ़ी सारे अवार्ड फंक्शन होते हैं हर महीने में, हर पहले साल में होता है, हर मंथ में अवार्ड फंक्शन, तो किस अवार्ड का क्या महत्व है आपके? अवार्ड मेरे लिए तो ऐसा है कि किसी भी फेस्टिवल का मतलब सभी मेरे लिए महत्वपूर्ण है, बिकॉज देर इज अ लॉट ऑफ एफर्ट यू नो गोज बिहाइंड दैट।
चाहे विक्रांत कर रहे हैं या कोई और कर रहा है, बहुत एफर्ट लगता है यार एक अवार्ड फंक्शन को ऑर्गेनाइज करना, फिल्मों को जजेस को जजेस तक पहुंचाना, उनका उस फिल्मों को चुनना, मतलब बहुत एफर्ट लगता है, इट इज़ नॉट एन ईजी जॉब। सो मैं विक्रांत जी का बहुत ही धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने एफर्ट लिया और उस फेस्टिवल के लिए जो, और हम लोगों को प्लेटफॉर्म भी अपनी फिल्म प्रेजेंट करने का, बिकॉज ये बहुत छोटा जॉब नहीं है, बहुत बड़ा जॉब है। तो थैंक्स टू देम द होल टीम, लाइक विक्रांत जी के पीछे जो सारी टीम है उसका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। या सर आपका, मैं वाकई दिल से विक्रांत जी का, उनके टीम का बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ। और एक बहुत अच्छा उनका प्रयास है, काफ़ी लोगों को उन्होंने अवार्ड्स दिया है, मतलब एक तरह से ये उनको बहुत बड़ा इनकरेजमेंट है, उनके अंदर के टेक्नीशियंस को, उनके अंदर के कलाकार को एक प्रोत्साहन देना बहुत बड़ी बात है। और ये काम, ये इंडियन पैनोरामा इंटरनेशनल अवार्ड फंक्शन कर रहा है, विक्रांत जी कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं। डेफिनेटली इससे बहुत से कलाकारों को एक प्रेरणा मिलेगी, बहुत से लोग आगे बढ़ेंगे, और जो अवार्ड्स के रूप में उन्हें जो कुछ नवाजा जाता है वो डेफिनेटली फॉरएवर तक उनके वो करियर पॉइंट ऑफ व्यू एक यादगार उनके लिए बन जाता है, एक इंस्पायरेशन उनको मिल जाता है। सर हेलो एवरीवन, आई एम फिल्म डायरेक्टर हरि उत्तरा from Tamil Nadu. Today is a great day because of Indian Panorama Film Festival. It's a great honoring for my movie, name Galta, best feature film in Tamil. Thank you for the committee, and once again today is the women's festival, so this award is very best award for my team. And once again thanks my producer and villain SMT Karunanidhi and actor Suresh Anna and cameraman Vasu. Once again this award dedicated to my family and my producer Malar movie makers Raghupathi sir and hero Nishant and Kaka Mutai Sasi Kumar and my god is Sushil Kumar Jain. Thank you all, best of luck. Thank you sir. Is Tamil only? No problem. வணக்கம். என்னோட மூவி முதல் நடந்தது தமிழ் மூவி கல்தா, கேரளாட்ட தமிழ்நாடு பார்டரு, கழிவுகளை கொட்டி இன்றைக்கி கொரோனாங்கிற ஒரு யாதி உருவாக்கப்பட்டது. அதை விட சுருக்கமாக அந்த கதையை நான் உருவாக்கி மக்களை எப்படி இந்த கொரோனா பாதிக்குது, அதில் இந்த வேஸ்ட்டுகளை கொட்டுறதுனால மக்களை இந்த பாதிக்கிறதுனால இந்த படத்தை எடுத்து இன்றைக்கி தமிழ்நாடுல ஒளிபரப்பாக இருக்கோம். இது ஒரு மக்களை எந்த அளவுக்கு அழிச்சு கொண்டு இருக்கிறது, அதனால் இதனால் இந்த மக்கள் எப்படி வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க, இதனால் என்னென்ன யாதிகள் ஊறாகுது, அதாச்சும் இந்த கழிவுகளை பற்றி இந்த புருவ படத்தை கழுத்தா படத்தை எடுத்து மூவிடுவேன். அது எங்களுக்கு இந்த படத்தில் எங்களுக்கு பெரிய அவார்டு, நேஷனல் அவார்டு கிடச்சிருக்குது. ரொம்ப நன்றி, எடுத்து தேங்க்யூ சொல்லிக்கிறோம். தேங்க்யூ சார். துஷ்யந்த் துபே एंड मैं स्टार्ट करता हूँ फिर। हाँ सर, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन अवार्ड के लिए, और आज अवार्ड फंक्शन भी और साथ ही साथ वुमेंस डे भी, तो क्या कहना चाहेंगे आप? जी मैं कहना चाहूँगा कि आई एम वेरी हैप्पी दैट आई गॉट दिस अवार्ड एंड दिस रिकॉग्निशन ऑफ बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर, और मैं इंडियन पैनोरमा फिल्म फेस्टिवल को मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ, और साथ ही साथ मैं अपने डायरेक्टर विक्रांत मोरे जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ इस अवार्ड फंक्शन शो के लिए, एंड जो भी उन्होंने और क्या सर, आज अवार्ड फंक्शन भी काफ़ी सारे अवार्ड फंक्शन होते हैं, हाँ। तो ये इंडियन पैनोरमा में तो क्या इम्पोर्टेंट है, क्या महत्व है आपके इस अवार्ड का? ये बहुत इम्पोर्टेंट ये अवार्ड इसलिए भी है क्योंकि ये मेरा लाइफ का एक तरीके से पहला अवार्ड है, और बहुत खुशी हो रही है कि चलिए ये अवार्ड मिला। और बाकी आज वुमेंस डे है तो इस अवार्ड की एक अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाती है कि इतना अच्छा एक अवार्ड मिला है, और बाकी तो वुमेंस डे है तो बहुत सारी औरतें हैं, हाँ, और लड़कियां हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे औरतों के लिए, उन लड़कियों के लिए? देखिए अब आजकल की वुमेंस को क्या मैसेज दे सकते हैं, वो तो ऑलरेडी सब कुछ इतना अच्छा है, और बस मैं उन सभी को, आप सभी लोगों को हैप्पी वुमेंस डे बोलना चाहता हूँ। ओके थैंक यू। सर
बड़ी खुशी हो रही है कि मेरी डॉक्यूमेंट्री जो सामाजिक समस्या पे है, डॉक्यूमेंट्री जो बनाई है मैंने गार्बेज पे, उससे मुझे अवार्ड दिया जा रहा है और उसको भी बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड दिया है। तो एक तरीके से एक अच्छा है कि इंडियन पैनोरमा फिल्म फेस्टिवल, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ने हमको एटलीस्ट हमारी दखल अंदर पैनोरमा फिल्म फेस्टिवल एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस अवार्ड। एंड यस, आज वुमेंस डे है, उसके लिए भी बहुत शुक्रिया। और मैं सारे वुमेंस को हैप्पी वुमेंस डे भी बोलना चाहती हूँ। एंड आई एम जस्ट ग्रेटफुल फॉर दिस अवार्ड, ग्रेटफुल फॉर द टीम ऑफ धूमकेतु। एंड यस, थैंक यू यूनिवर्स, एंड आप सभी को भी बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी। मैम, कहते हैं नारी शक्ति बहुत बड़ी होती है और आज उसका प्रूफ आपके सामने भी है, तो उसके रिलेटेड क्या एक औरतों के लिए और लड़कियों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप अपनी तरफ से? सर, मैं कहना चाहूँगी जो आपने कहा बिल्कुल सही है। हाँ जी, नारी शक्ति होती है, वो सबसे स्ट्रांग होती है। एंड आई वुड लाइक टू से दैट वी आर द यूनिवर्स एंड वी आर द हिंड्रेंस, वी आर द प्रॉब्लम, वी आर द अचीवर्स, वी आर द you know problem shooters, we are the ones who is going to kill everything. सब कुछ हम ही है, जैसे आप खुद में विश्वास करते हो तो बस it just reach heights is all. मैम, आज के अवार्ड में क्या importance है, क्या महत्व है इस अवार्ड का आपके लिए? सर, ये अवार्ड बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए क्योंकि ये मेरा सबसे पहला अवार्ड है। मुझे ये सब एक्सपीरियंस करने के लिए मिला है कि कैसे होता है। ऑफ कोर्स मैं नर्वस फील कर रही थी बहुत ज़्यादा, बट इट्स सो वार्म, इट्स सो वेलकमिंग, सब लोग बहुत सपोर्ट करते हैं और दे मे। ये मेरा पहला अवार्ड है और पहला एक्सपीरियंस है। सारी चीज़ें जो भी मेरे साथ हो रही हैं एकदम न्यू हो रही हैं और बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ और थोड़ी सी नर्वस हूँ। तो वुमेंस और आज का जो वुमेंस डे है, तो लड़कियाँ हैं, औरतें हैं, काफ़ी कुछ है जो बहुत कुछ करती हैं और आज आपने भी एक अवार्ड पाया है, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगी, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, अब लड़कियों की वजह से सब कुछ चल रहा है, लड़कियाँ नहीं होती तो कुछ भी नहीं होता। तो वुमेंस तो है ही स्ट्रॉन्ग है, विल पावर है, एवरीथिंग है और वो इतना अच्छा कर रही हैं और बहुत अच्छा करेंगी और मैं भी बहुत अच्छा करूँगी। मैम, फर्स्ट अवार्ड है जी, तो क्या क्या फील हो रहा है आज का और यही अवार्ड के साथ मैं आपको घर वालों की क्या फीलिंग रहेगी, आपके रिलेटिव्स की क्या फीलिंग रहेगी कि आज आपको अवार्ड मिला है? मेरी मम्मा बहुत खुश होंगी, मेरे पापा नहीं हैं और मेरा भाई, वो भी बहुत खुश होगा और मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये मेरा पहला अचीवमेंट है और गॉड करे ऐसे मैं काफ़ी सारी चीज़ें अचीव करूँ और बहुत अच्छा फील करूँ और अपना नाम रोशन करूँ, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करूँ और आप सबको बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़। और आपको आज अवार्ड से नवाजा गया है, तो क्या कहना चाहेंगे? So it's a nice experience for me. As I said, this is my 71st award for Kota movie. Getting an award in Women's Day, it is very pleasure for us because it is a matter of women. We have spoken about the women also, women empowerment, how the women empowerment is very fulfilling the family also. We are shown in our Kota movie. It is a nice experience for us. सर, अवार्ड के लिए अगर आज अवार्ड का क्या महत्व है आपके लिए और आज ये काफ़ी अवार्ड मिला हुआ है और काफ़ी सारे भी आपने विन किए हुए हैं, तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे और वुमेंस डे के लिए लेडीज और औरतों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? एवरी वुमेन शुड हैव देयर इंडिविजुअलिटी, दे शुड स्ट्रांग, दे शुड हैव ऑल द एबिलिटीज, नॉट ओनली फॉर वुमेंस डे, अक्रॉस ऑल 365 डेज दे शुड बी इन द सेम मैनर. They should follow. They are very strong. They should not forget about their strong. They have individual abilities. They are outspoken. जो भी आज में हूँ बस और बस मेरे विक्रांत सर की वजह से हूँ, जिन्होंने मुझे मुझ पर भरोसा रखा
मतलब मुझे चांस दिया ये सब करने के लिए। उसके बाद माहेश्वरी मैम, फिर माई मोम, माई डैड, जिन्होंने मेरे जितने भी सारे सपोर्टर्स हैं, ये सब, ये अवार्ड एक्चुअली मेरा नहीं है, सब उनका है। मैम आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली ये मेरा फर्स्ट अवार्ड है तो मैं भी बहुत नर्वस हूँ, और थैंक यू सो मच पैरानोमा और विक्रांत सर कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा। तो बस हाँ, मेरा पहला ये अवार्ड का थैंक यू तो ऑब्वियसली विक्रांत सर को था, लेकिन सेकेंड अवार्ड का मतलब सेकेंड थैंक यू मेरा एक्चुअली सावित्री माता के लिए है। कहते कि एक्चुअली मैं भी स्पीचलेस हूँ बाय द वे, बट औरत को जब से सम्मान मिला है, औरत को जब से सम्मान मिला है उसने अपनी ताकत को पहचान लिया है, औरत को जब से सम्मान मिला है उसने अपनी ताकत को पहचान लिया है, और अबला से हो गई है अब सबला देखो, ये सच है कि औरत ने हम पे भारी उपकार किया है। तो हमें, हम सब पर, हम औरतों पर ये एहसान करने वाली, हमें सबला बनाने वाली जो थी सावित्री माता, क्रांति ज्योति, हमारी ज्ञान ज्योति सावित्री माता का मैं हमेशा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। एक्चुअली मेरा थैंक यू बहुत कम है, बट स्टिल। आपके प्रोजेक्ट के लिए क्या ऑडियंस को मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले प्लीज़ सारे लोग ये फिल्म देखिए, एक्चुअली बहुत मसाला है ये मूवी में। हाँ, लव स्टोरी है लेकिन ये कुछ अलग है। हाँ, तो आप प्लीज़ देखिए लव जैसा प्यार कमिंग, मतलब ये बहुत अलग स्टोरी। कांग्रेचुलेशन आज अवार्ड के लिए। थैंक यू सो मच। तो क्या कहना चाहेंगे, आज आपको अवार्ड से नवाजा गया है? फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली आई वुड लाइक टू थैंक माय पेरेंट्स, बिकॉज सिंस आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन द फैमिली ऑफ टीचर्स एंड सोशल वर्कर्स, इट रियली हेल्प्ड मी टू वर्क एंड एनालाइज द प्रॉब्लम्स अराउंड so that I could actually give a contribution to the education sector in India. Of course, Vikrant sir, for recognizing the work of Bhas Foundation and giving us such an incredible platform. And of course, my team, Uzair, Soham, Rushita, Aditya, Eva, thank you so much for being a part of Bhas Foundation. So this is one more to come. थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, क्या आपको अवार्ड से नवाजा गया, क्या कहना चाहेंगी सपोर्ट के लिए? एक्चुअली आई एम थैंकफुल टू ऑल द वुमेन अराउंड मी, माई मदर एंड ऑल्सो माई ब्रदर एंड माई डियरेस्ट मामा जी हु हैज सपोर्टेड मी एंड हेल्प मी ग्रो थ्रू आउट एवरी थिंग, एंड आई एम एक्चुअली थैंकफुल टू दिस अवार्ड। थैंक यू। आज वुमेंस डे है, वुमेंस डे के लिए और तुमको लड़कों क्या मैसेज देना चाहेंगे? I'd like to say that when women comes, it's about their rights, and when right comes, the F word comes in, that is feminism. So basically, feminism is not giving power to women. Feminism is like, we women are already powerful, we are strong. Feminism is actually perceiving the strength and power as something that is very essential to the society, and to frame the society, we need to perceive the power and strength rightly. Also, this is for all the strong women out there. May we know them, may we be them, and may we raise them. Thank you. मैम आप क्या कहना चाहेंगे, आज आपकी बेटी को अवार्ड मिला है तो इस मौके पर क्या कहना, कितनी खुशी है आपका? मुझे खुशी है क्योंकि वो भविष्य में बहुत कुछ करेगी, इस पर मुझे, उसको प्राउड भी है और उस पर विश्वास भी है। थैंक यू। तो आज महिला दिवस भी है। हाँ। तो महिलाओं के लिए या उन माओं के लिए जिनके बाद आपके जैसी बेटी है, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या मैसेज देंगे? मैं यही कहूँगी, हर बेटी में कुछ ना कुछ होता है, और उसके लिए उसकी मॉम या परिवार वाले जो कोई भी हो उसको सपोर्ट कीजिएगा प्लीज, वही कहूँ। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको आज अवार्ड से नवाजा गया है। थैंक यू। क्योंकि आप खुद दूसरों को अवार्ड दिया करते हैं जी, और आज आपको भी नवाजा गया, तो क्या कहना चाहेंगे इसके? सबसे पहले मैं बिकन मोरे को मैं नमन करता हूँ, वो मेरा 15 साल का मेरा दोस्त है, 15 नहीं 18 साल का दोस्त है मेरा, और जब मैं बॉम्बे में आया था तब सबसे पहले मैंने फिल्म लाइन की तरफ जब मैं आया था तो मैं विक्टर मोरे को मेरा पहला मुलाकात हुआ था, मैकडी बोल की जगह है अंधेरी वेस्ट में, तो वहाँ से मेरा जर्नी शुरू हुआ, और उसके पहले भी बहुत बड़ा जब वो जर्नी है, उसको बोलेंगे तो रात हो जाएंगे, लेकिन बस इतने खाले मैं बोलना चाहता हूँ, मेरे पिता माता, मेरे गुरु को, मुंबई की मिट्टी को, मुंबई की माता रानी को,
और माय DPI टीम को, माय लवली ब्रदर मेरा भाई वैरू जैन को, और मेरी लवली वाइफ अंकिता जाना को, माय लवली डॉटर अविका को, और साथ में जितने भी मेरे साथ जुड़े हैं मीडिया पर्सन और भी जो लोग जुड़े हैं मेरे साथ, इन सभी को मैं नमन करता हूँ जिसकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। लोग मुझे गरीबों के एक्टर बोलते हैं, तमाम मैं और भी जो काम कर पाता हूँ ये सिर्फ उन सभी का दान है और महादेव का दान है। सर सर आपसे बात जानना चाहेंगे कि लोगों उन जब काम करते हैं और बहुत सारे मेहनत करते हैं जी, और आपके भी हमेशा अवार्ड्स होते रहते हैं जी, तो कितना इम्पोर्टेंस होता है एक इंसान को अवार्ड देना और उसको अवार्ड लेना, तो किस चीज के लिए मतलब उसको एक उसकी जो हिम्मत होती है या उसकी जो मेहनत होती है उसकी आप उसको नवाजते हैं, तो क्या इम्पोर्टेंस होता है उस अवार्ड जो मैं जिसको मैं अवार्ड देता हूँ, जिस तरीके से मैं आज एक अवार्ड लेने के लिए आया हूँ, तो शायद मेरे अंदर कुछ चीज को देखा रहेगा, मेरे काम को या मेरे जो काम करता हूँ लॉकडाउन में मैंने काम किया, और जो मैंने फिल्म लाइन में काम किया, मेरी फिल्म आया है वेब सीरीज आया है जिसका नाम है दा क्लू, तो उसमें MX प्लेयर में वो आया है, तो मेरे को जो काम देख के जो मुझे आज बुलाया, मुझे आज सम्मानित किया, इसी तरह मैंने भी उसी तमाम जो लोगों को मैंने अवार्ड देता हूँ, उन तमाम लोगों को मैं उसी तरह काम को देखता हूँ, उनके काम को, उनकी उनके काम के पीछे के उनके स्ट्रगल को, उसको देखते हुए मैं भी उनको सम्मानित करता हूँ। और मेरा 24th को सबसे बड़ा मेरा अवार्ड शो है, द DPIF आइकॉनिक अवार्ड दिल्ली में है, द ली मेरिडियन में, DPIF आइकॉनिक अवार्ड एंड DPIF मिस एंड मिसेस इंडियन कल्चरल फैशन शो जो 24th मार्च को होने जा रहा है दिल्ली में। सर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, सबसे पहले मैं विक्रांत सर को बहुत बेस्ट विशेस देता हूँ, और इनके जो फिल्म फेस्टिवल चल रहा है उसके लिए मैं आगे भी इनके फ्यूचर के लिए बेस्ट विशेस देता हूँ। और आज मुझे बहुत खुशी हुई मेरे भाई कल्याण जी जाना को आज जो फेलिसिट किया हुआ, इसके लिए मैं उनको बहुत दिल से शुक्रगुजार करता हूँ, और आगे जो काम कर रहे हैं उनके लिए हम पूरी टीम DPIF साथ में हमेशा। थैंक यू सर। एक इंसान के लिए क्या महत्व होता है, क्या इंपॉर्टेंस होती है जब उसको अवार्ड मिलता है जी, जैसे क्या फील होता है, किस तरीके का, जैसे आज कल्याण जी को भी मिला है तो उसके लिए आपको कैसा फील लगता है? देखिए ये तो मेरे भाई है, मेरी जान है, आज आपके सामने खड़ा हुआ मैं इनकी बदौलत है, तो मुझे तो काफ़ी प्राउड फील हो रहा है कि मेरे भाई को अवार्ड से सम्मानित किया हुआ है। वैसे तो साल में कईयों को हम सम्मान करते हैं, पर आज सम्मान लेना वो भी बहुत बड़ी गर्व की बात होती है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। कल्याण जी आज वुमेन्स डे है जी, क्या कहना चाहेंगे उन औरतों के लिए, उन लड़कियों के लिए जो काफी कुछ कर रही हैं, और आपने देखा कि उन काफी लड़कियों को तो अवार्ड भी से भी नवाजा गया है, तो क्या कहना चाहेंगे उन सब हमारी माता बहनों के लिए? मैं सबसे पहले मेरी पिता माता गुरु को मैं नमन करता हूँ, और तमाम जितने भी, क्योंकि मेरी माता जो है वो एक वुमन है, वो एक नारी है, चाहे वो मेरी माता हो, चाहे मेरी वाइफ हो, चाहे मेरी बहन हो, चाहे देश की कोई भी नारी हो, ये अपनी जगह पे उन्होंने जिस तरीके से आज काम कर रहे हैं, उन सभी का मतलब जो वुमन जो काम कर वो करती है वो कोई नहीं कर वहाँ कर पाता है, कि क्या क्या है बेसिकली क्या है, जितने भी आप देखते हो जो वुमन जो आज काम करती है, आज हिंदुस्तान के अंदर जिस तरीके से पावरफुल बन के जा रहा है वुमन, जिस तरीके से हिंदुस्तान में नारी शक्ति का सभी को एक दान करते हैं, जो नारी शक्ति, महिला मतलब नारी शक्ति, क्योंकि मैं इसके पीछे भी और एक बात मैं बोल दूँ, जो सिर्फ 8 मार्च को ही क्यों, खाली 8 मार्च को ही क्यों, जो 8 मार्च को आएगा हम सभी नारी को सम्मान करेंगे, सभी नारी का हम बुलाएंगे, उनका वाहवाह करेंगे, प्रत्येक दिन क्यों नहीं है, 365 डेज क्यों नहीं है, सिर्फ एक ही दिन क्यों है? एक दूसरा जो जिस तरीके से नारी का, जिस तरीके से आज वेब सीरीज के माध्यम से, जिस तरीके से आज OTT प्लेटफॉर्म के वेब सीरीज के माध्यम, जिस तरीके से उस पीछे का अगर आप देखा जाए, जिस तरीके से नारी का एक बदन में वस्त्र नहीं होता है, एक तो आप नारी को आप सम्मान करते हो 8 मार्च को, ऊपर से आप नारी का पूरा एक बदन में कपड़ा नहीं होता है, और OTT प्लेटफॉर्म के माध्यम से जिस तरह गंदगी आप मचा है, जिस तरीके से आज गंदगी फिल्म लाइन में इतना हो रहा है, तो वहां पे क्यों नहीं नारी का सम्मान? मैं किसी को मैं ये नहीं बोलना चाहता हूं भाई कौन क्या कर रहा है, लेकिन अगर आप 8 मार्च को अगर बोलते हो नारी दिन है, तो इसी तरह हमारी फिल्म लाइन में जो वेब सीरीज बनाते हैं, जिस तरीके से नारी के साथ अत्याचार होता है, वो कब कम होगा? कब कपड़ा कम वाला बदन में कम कपड़ा नहीं है, वो कब कम होगा? ये मेरा सबसे बड़ा मेरा इंडस्ट्री के लिए, OTT प्लेटफॉर्म के लिए और दुनिया के लिए है। अगर वो स्कूल जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, तो किसी भी मोड में आज छेड़ना
या कॉलेज के बाहर छेड़ना, या बाइक पे जा रहा है वहाँ पे छेड़ना, या किसी कहीं भी देखा तो वाह क्या आइटम जा रहा है, तो वो सब कब कम कम होगा? ये वेब सीरीज हो गया, ये दुनिया होगा, ये गली मोहल्ला, ये सब कम होगा, क्योंकि ये जब कम होगा तो मुझे लगता है जो 8 मार्च को नारी सम्मान करना चाहिए। ओके सर, थैंक यू।